इतनी जोर शोर से लड़ाई हो रही थी, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात हुई है। अच्छा अब तो तुम बैठ जाओ, अब तो खामोशी हो गई ना, राशिदा आ रही है। क्या हुआ है राशिदा, क्यों मारिया लड़ रही थी अजीम से? वही हुआ जो एक ना एक दिन तो होना ही था ना। अच्छा सीधे सीधे बताओ क्या बात है, देख रहे नहीं कितनी परेशान है जुबैदा। जी अब्बा मियाँ, वो मारिया ने हुसन आरा को ना अजीम भाई के साथ कमरे में देख लिया और उसे जलील करके वहां से निकाल दिया। अब देखिए ना, उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। हाय अल्लाह, उसे पता तो नहीं चल गया हुसन आरा और अजीम की शादी के बारे में? अब ये तो मुझे नहीं पता। ओहो जुबैदा, परेशान मत हो, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था ना उसे। या अल्लाह, मेरे अल्लाह खैर रखना। वाह मामी वाह, आपने बेटे का घर बर्बाद करके अब आप खैर की दुआएं मांग रही हैं? बेटा वो यू ऑल आर हिपोक्रेट्स, और आपसे बड़ा हिपोक्रेट तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। Why did you do that? आपने मेरी जी की शादी हुसन आरा से क्यों करवाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दे। मर गई थी क्या मैं? मारिया बेटा बात सुनो। बस अब आगे, बस अब बहुत हो गया, अब मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। आप सब घर वालों ने, सबने मिलके मेरी और मेरी फैमिली खराब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, मेरे बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। या अल्लाह, मेरे अजीम को हिम्मत देना कि ये मुश्किल वक्त वो अच्छी तरह से गुजार ले, पर होगा क्या? अब फिक्र मत करो जुबैदा, अजीम समझदार है, वो संभाल लेगा हालात को। अरे अम्मा भी, आप इतना क्यों परेशान हो रही है? आखिर एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था ना। हाँ मगर इस तरह तो नहीं होना चाहिए था ना। उस खुदाया राशिदा। जी ये पानी ला दो। अच्छा परेशान हुआ तो मैं लेकर आ रही हूँ। जुबैर साहब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे, और हुसन आरा का क्या होगा? आप ओहो अल्लाह ताला से दुआ करो, वो बेहतर करेगा सब। चौबीस अप्रैल से देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।